तो जैसे ही एक बच्चा बॉर्न होता है उसके साथ ही बॉर्न होता है फादर, तो जो सिर्फ एक हस्बैंड था वो भी फादर बन जाता है एंड वो सडनली बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है, वो बहुत बहुत तरीके से कोशिश करता है कि बच्चे को कैसे खुश रखें, उसके फ्यूचर को कैसे सिक्योर रखें, उसके प्रेजेंट को कैसे हैप्पी बनाएं। जनरली डैड्स का मैंने यही देखा है कि वो लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उतने अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं, जाहिर नहीं कर पाते हैं, बट डीप इनसाइड वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से और हर संभव कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से उनको बहुत खुश रख सके और उनकी सारी विशेस को पूरी कर सके। वेलकम टू अर्पिता स्पेस, मेरा नाम है अर्पिता और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें। करने वाले हैं एक ऐसे मेंबर के बारे में जो कि फैमिली के लिए होते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट और बच्चों के लिए होते हैं वो उनके सुपर हीरोज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फादर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं सारे ही फादर्स को, सारे ही सुपर ऑसम डैड्स को विश करना चाहूंगी अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। गिफ्टिंग आइडियाज के ऊपर है मेरा ये वीडियो कि हम लोग किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट डैड्स को दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिंक्स लगा रखे हैं, तो आप उन लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हैं उन्हें और उनको ऑर्डर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज आउटिंग्स। फर्स्ट वन इज अ सरप्राइज फोटो शूट। आप अपने फादर को बताएं नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट ही ड्रेसेस अप नाइसली एंड देन यू कैन गो फॉर अ फोटो शूट विद हिम, जहाँ पे मे बी किसी गार्डन में या किसी भी आपकी फेवरेट प्लेस पर, जहाँ पे भी आप ये फोटो शूट करवाना चाहते हो वहाँ पर आप अपने फादर के साथ में सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपका और आपके फादर का या फिर पूरी फैमिली का फोटो शूट करवाएं। नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक हिम फॉर अ सरप्राइज डिनर टू हिज फेवरेट रेस्टोरेंट। कोई भी जो भी उनका फेवरेट कुजीन हो उसके रेस्टोरेंट में आप उनको ले जा सकते हैं। दैट वुड बी अ रियल गुड सरप्राइज, जहाँ पे या तो पूरी फैमिली का गेट टुगेदर हो या फिर सिर्फ आप दोनों बैठकर अपनी चाइल्डहुड की और सारी मेमोरीज को रिफ्रेश कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज टेक हिम फॉर अ स्पा। उनको पूरा रिलैक्स करने के लिए, उनको एक बहुत डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस देने के लिए आप उनको एक स्पा ले जा सकते हैं या उनको एक स्पा का वाउचर गिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक हिम ऑन अ मूवी डेट। जो भी उनकी फेवरेट मूवी हो, आप उनको घर पे बैठकर भी किसी बड़ी स्क्रीन पर अगर वो मूवी दिखाएं या फिर आप उनको लेके जाएं थिएटर मूवी के लिए, तो दैट वुड आल्सो बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम। द लास्ट आइडिया दैट आई हैव इन दिस कैटेगरी इज अ सरप्राइज डिनर डेट विद हिज फ्रेंड्स। उनके जो भी फ्रेंड्स हो आप उनको बुला करके उनको सरप्राइज डेट पर लेके जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। मे बी दे हैव अ डिनर टुगेदर और जो भी वो पसंद करते हो, जो भी कुछ खेलना या कुछ भी किसी क्लब के अंदर, तो आप वो उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट वुड रियली मेक हिम वेरी वेरी हैप्पी। अपने पुराने दिन वो याद करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो ये उनके एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। तो यू डेफिनेटली कैन गो अहेड विद दैट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है टोटल DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ। इस केस में आपको पूरी पूरी फ्रीडम मिलेगी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की एंड प्लस बजट वाइज भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आप अपने इमोशंस टोटली दिखा सकते हैं अपने वर्क के थ्रू अपने डैड को। तो इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है दैट यू कैन मेक अ फोटो फ्रेम। आप एक फोटो फ्रेम बनाएं जिसमें आप अपनी और उनकी फेवरेट पिक्स लगा के उनको दे सकते हैं। उसके अंदर आप बहुत क्यूट से कैप्शंस लिख सकते हैं, कुछ स्टार्स या बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपको टोटल क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेक अ वीडियो। देर आर अ लॉट ऑफ मोबाइल एप्स जिसके अंदर आप वीडियोज़ बना सकते हैं, तो आप वीडियो बना सकते हैं बहुत सारी फोटोज़ को लेकर अपनी और अपने डैड की, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल डेट वाली फोटोज़ लेकर, या फिर अगर आपके पास कुछ मोमेंट्स कैप्चर्ड हैं वीडियोज़ के फॉर्म के अंदर, जैसे कि जब आपके डैड आपको चलना सिखा रहे थे तो वो वीडियोज़
उस टाइप के वीडियोस लेकर, या फिर आपके डैड अब आपके बच्चों को फिर चलना सिखा रहे हैं, तो आप वो सारे वीडियोस को एक साथ कलेक्ट करके और एक क्यूट सा वीडियो बना के अपने डैड को दे सकते हैं। आई एम श्योर कि वो उसको बहुत 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 बार देखेंगे, इनफैक्ट शायद रोज एक बार देखें एंड इमोशनल पोस्ट को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिकली फॉर द न्यू डैड्स, जो कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो बनवा सकती हैं अपने बेबी से, और ये बहुत ही क्यूट और मेमोरेबल गिफ्ट है। आई हैव डन दिस माई सेल्फ, सो आई नो कि ये कितना स्पेशल होता है। उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो बेबी का हैंड और फीट है, उसके इम्प्रेशंस लेकर एक क्यूट सा कार्ड बना सकते हैं और लिख सकते हैं माई डैड माई सुपर हीरो या कुछ भी इस तरह का कैप्शन। तो वो जो क्यूट से छोटे छोटे हैंड और फीट के इम्प्रेशंस हैं, वो एक बहुत ही और टाइप वाली फीलिंग, बहुत ही और टाइप वाला मोमेंट देंगे उनके फादर्स को, एंड दे वुड डेफिनेटली, वो लोग हालांकि इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग डेफिनेटली बोलेंगे ऑसम या फिर सुपर क्यूट, उनको भी ऐसे क्यूट वर्ड्स पे आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ सर्टिफिकेट, जैसे कि हम लोग को आजकल आर्चीज में भी इस टाइप आर्चीज या किसी भी गिफ्टिंग की शॉप में ऐसे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, बट हम अगर ये सर्टिफिकेट हाथ से बनाए तो उसकी बात ही कुछ और है। तो आप कोई भी एक्चुअल सर्टिफिकेट लेकर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर एक बेस्ट डैड का सर्टिफिकेट बना के अपने फादर को प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस टू सर्टिफाई दैट द टाइटल ऑफ बेस्ट डैड गोज टू योर फादर्स नेम फॉर ऑलवेज, मे बी उनकी ट्रेड्स हैं, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप नीचे लिख सकते हैं। ये बहुत ही फंकी, बहुत ही अम्यूजिंग सा वे होगा उनको बताने का कि वो कितने स्पेशल है, कितने इंपॉर्टेंट है और कितने डिजर्विंग है। नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज राइट अ लेटर टू योर फादर। एक लेटर के अंदर आप बहुत सारे स्टिकर्स अटैच कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं अपने फादर के लिए और अपनी सारी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं इंसिडेंट्स के फॉर्म में या नॉर्मल वर्ड्स के फॉर्म में, कोई पोएम लिख के उनको दे सकते हैं, और साथ में अगर आप कुछ फोटोज लगाएंगे अपनी चाइल्डहुड की या अभी की, कोई भी फोटोज जो कि आपको अच्छी लगती हों, तो वो और भी उसके लेटर की ब्यूटी को ऐड करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बुक्स वाले सेक्शन में बताया था कि आप कोई बहुत क्यूट से बुकमार्क्स बना के उनको दे सकते हैं, कलरफुल बुकमार्क्स जिन पे आप कैप्शंस लिख सकते हैं। कैप्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वी आर नट्स अबाउट यू डैड, वी लव यू टू पीसेस डैड। तो आप कुछ बहुत अच्छे से कैप्शंस लगा के कुछ ड्रॉ करके या कुछ स्टिकर्स चिपका के या कुछ छोटी छोटी फोटोज अपनी और अपने डैड की चिपका के और बुकमार्क्स का मे बी 6 का सेट बना के अपने फादर को दे सकते हैं, कुछ ऊपर क्यूट से रिबन्स बांध के। एंड द लास्ट ऑप्शन इन दिस DIY लिस्ट इज कि आप उनको एक फोटो बुक बना के दे सकते हैं अपने हाथ से, वो स्पाइरल बाइंड करके, वो जो चार्ट पेपर वाले पेपर्स होते हैं, थोड़ा मेहनत का काम है मगर ये बहुत ही ज़्यादा खुश करेगा उनको। आप उसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनाएं अगेन या फिर कुछ स्टिकर्स लगाएं, कुछ कोट्स लिखें या कोई पोएम लिखें बीच में, बहुत सारी पोएम्स या कोई इंसिडेंट्स मेंशन कर दें अपने चाइल्डहुड के या कोई भी मेमोरेबल इंसिडेंट्स, तो दैट वुड बी अ ट्रेजर ऑफ लाइफ टाइम फॉर हिम। द नेक्स्ट कैटेगरी एंड सपोजिटली द लास्ट कैटेगरी इज मिसलेनियस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो कि मैं ऑलरेडी क्लोथ्स में भी कवर कर चुकी हूँ कि ऐसा टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं उनको जो कि आप और वो सेम टी शर्ट पहने, जिसपे कुछ क्यूट सा कैप्शन लिखा हुआ हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आजकल ये टी शर्ट्स बनाती हैं, बेसिकली मैचिंग टी शर्ट फॉर यू एंड योर डैड और फॉर द बेबी एंड हिज डैड। द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ फोटो बुक और अ फोटो एल्बम। जूम इन जैसे कि एक साइट है जो कि एक फोटो बुक बनाता है, आप उनको अपनी फेवरेट फोटोज दे दीजिए एंड दे विल प्रिंट अ वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल फोटोग्राफ एल्बम जो कि आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज अ क्यूट की चेन। अगर वो अपनी मे बी कार की कीज या फिर घर की कीज अपने उस की रिंग में डाल के रख सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे कस्टमाइज्ड ऑप्शंस आजकल आते हैं कि आप कुछ भी कूल डैड, बेस्ट डैड या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैप्शंस लगा के और वो कीचेन बना के उनको दे सकते हैं। एंड टू ऐड टू दिस आप एक LED लाइट वाला कीचेन भी उनको दे सकते हैं जिसपे मे बी फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा डैड्स लाइट द वे या फादर्स लाइट द वे। इसके अलावा आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं कोई बहुत अच्छा वॉल पीस या कोई कस्टमाइज्ड वॉल क्लॉक जिसके अंदर आपकी और उनकी फोटोग्राफ हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज टॉवल्स। आजकल टॉवल्स पे भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, टॉवल पे भी लिखा हुआ हो सकता है मे बी डैड यू आर द बेस्ट या फिर डैड यू आर द वर्ल्ड या सुपर कूल डैड। तो आप इस तरीके की कोई टॉवल्स भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं जिनको देख कर बेसिकली वो खुश हों और जब भी उनको यूज़ करें तो उनको आपकी याद आए। और एक बहुत ही और भी कूल ऑप्शन है स्पेक्टिकल होल्डर। तो ये स्पेक्टिकल होल्डर्स बहुत ही फंकी, बहुत ही कूल होते हैं और ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पेक्टिकल होल्डर इसमें और भी आप चीज़ें लगा भी सकते हैं एंड ये बहुत अच्छे शोपीस की तरह भी रखे जा सकते हैं। तो
अब मैं कुछ ऐसे आइडियाज बताना चाहती हूँ जो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो ना सिर्फ इनको घर पे यूज कर सकते हैं बल्कि वो अपने ऑफिस में भी, अपने डेस्क पर भी इनको यूज कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन है फोटो फ्रेम। आप उनको एक बहुत ही क्यूट सा फोटो फ्रेम बना के दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या कहीं से भी खरीद के दे सकते हैं। तो बेसिकली उसमें 3-4 फोटोज लगा के या एक सिंपल अपनी एक ही फोटो लगा कर भी अगर आप उनको देते हैं कुछ छोटा सा कैप्शन लिख के या फिर विदाउट कैप्शन भी, तो अपनी अगर डेस्क पे उसको रखेंगे ऑफिस के डेस्क पे तो ये उनको थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा उनका स्ट्रेस बस्टर की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज अ कस्टमाइज्ड कैलेंडर। एक ऐसा कैलेंडर जिसके अंदर आपकी और आपके डैड की फोटोज हों हर पेज के ऊपर हर मंथ के हिसाब से, एंड उसके पास में कैलेंडर हो तो जब भी वो मंथ भी चेंज करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर भी आप लोगों की कोई डिफरेंट मेमोरी उनके सामने फ्लैश करेगी। सो द नेक्स्ट ऑप्शन हेयर इज मग। मग हो सकता है एक प्लेन मग जिसके ऊपर कोई क्यूट सा कैप्शन लिखा हो जैसे कि बेस्ट डैड या डैड यू रूल माई वर्ल्ड, कुछ भी इस तरीके से, और या फिर कोई स्टील का मग दे सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ हो मैन ऑफ स्टील, और या आप उनको दे सकते हैं कोई मैजिक मग। मैजिक मग एक ऐसा मग होता है जिसके अंदर अगर आप उनको उसको वैसे ही देखेंगे तो वो एक प्लेन मग होगा, बट जैसे ही आप उसके अंदर कुछ बहुत ठंडा या फिर कुछ बहुत गर्म पोर करेंगे, जिस भी टाइप का मग है आपके पास में, तो वो डालते ही मैजिकली एक कोई फोटो या कोई भी कैप्शन जो भी आपने डालना चाहा है उसके ऊपर, तो वो एकदम से अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ कुशन। एक कुशन जिसके ऊपर आपका और आपके डैड का फोटो हो, कोई चाइल्डहुड फोटो या करंट फोटो या अ कोलाज ऑफ 3-4 फोटोग्राफ्स। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सम पेपर वेट्स और सम हैंड निटेड डॉल्स जो आजकल बहुत चल रही हैं, कुछ कलरफुल डॉल्स हों जिनके ऊपर जो न्यू डैड्स हों उनके बच्चों के नाम के इनिशियल्स लगे हुए हों या फिर नाम लिखा हुआ हो, तो उस टाइप की डॉल्स भी वो अपनी डेस्क को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इस कैटेगरी के अंदर ऑफिस बैग। इसके अलावा भी 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो नहीं फॉल करती है बट काफ़ी यूजफुल हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ चेकअप। ये बहुत ही एक स्वीट और बहुत ही अच्छा जेस्चर है आपके फादर को बताने का दैट यू केयर। और नेक्स्ट ऑप्शन इज अ मसाजिंग चेयर। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है, बहुत थके हुए वो कहीं से आए हों या फिर वो एजड हों और उनको थोड़ा सा मसाज की ज़रूरत हो, मे बी फुट मसाज, बैक मसाज, आर्म मसाज, तो इसमें वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस आते हैं, तो जो भी आपके बजट और आपके नीड्स को सूट करता हो आप वो ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये थी मेरी बहुत ही एग्जॉस्टिव और बहुत ही एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के एक्सपीरियंसेस को लेकर, और मैंने बहुत कुछ इंटरनेट पे ढूंढा, उससे मुझे ये आइडियाज़ मिले। तो आई होप कि इसके अंदर मोस्टली गिफ्ट आइडियाज़ कवर हो ही गए होंगे। अगर आपके पास क्रंच है टाइम का, स्पेस का और मनी का, तो बहुत सिंपल चीज़ें भी उनके लिए कर सकते हैं जैसे कि अ वेरी मॉडेस्ट बुके, या फिर आप खुद उनके लिए घर में कुछ बनाएं, कोई भी उनकी फेवरेट डिश, कोई भी रेसिपी आप उनके साथ या तो मिलकर बनाएं या उनके लिए बनाएं, घर की कोई भी पर्टिकुलर वॉल सेलेक्ट कर लें और उनको उसको डेकोरेट करें बहुत सारी पिक्चर्स के साथ, बचपन से लेकर आज तक की जो आपके पिक्चर्स हैं आपके डैड के साथ में, उनसे आप अपनी वॉल को डेकोरेट कर दें, और फिर एक घर में अच्छा सा कोई म्यूजिक प्ले करके आप वो डिनर या लंच जो भी करेंगे, दैट वुड बी अ रियल मेमोरेबल थिंग फॉर योर डैड। इनफैक्ट इस चैनल पे भी मैंने बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज पोस्ट कर रखी हैं, राइट फ्रॉम इंटरनेशनल क्विजीन टू इंडियन क्विजीन टू स्टार्टर्स टू चाट, तो आप मेरे चैनल पे भी बहुत सी रेसिपीज को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं बहुत क्विक और बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ के, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप अपनी मनपसंद कोई भी रेसिपी उनके लिए बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि डैड्स को सबसे ज़्यादा खुश करेगी, वो चीज़ है एक सिंपल सी हग सेइंग आई लव यू डैड, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। तो इतनी छोटी सी चीज़ भी अगर आप उनके लिए करेंगे इट वुड मेक द डे रियली स्पेशल फॉर टू गो अहेड। जब भी आपका मन करे तो अपने फादर्स को स्पेशल फील करवाएं, उनको ये बताएं कि वो आपके लिए सब कुछ हैं, आप बहुत वैल्यू करते हैं उनके सारे सैक्रिफाइसेस को, एंड द वे ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, यू आर ऑल्सो ऑलवेज देयर फॉर हिम। सो स्पेंड टाइम विद हिम, मेक हिम फील स्पेशल, मेक हिम स्माइल, hug him, do whatever you feel like, and have a great Father's Day. So here's me again wishing a very happy Father's Day to all the fathers out there. Happy Father's Day, Daddy, and happy Father's Day, Papa. Love you loads.
If you have liked this video, then please give it a big fat thumbs up. Share it with your friends ताकि सबको ideas मिले कि अपने पापा को कैसे special feel करवाया जाए और comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको इन सब ideas में सबसे अच्छा idea कौन सा लगा है और आप क्या gift करने वाले हैं अपने पापा को और अगर आपका वाला idea इस list में ना हो तो भी आप comment section में मुझे बताएं ताकि हम सबको एक और idea मिले gifting का. Bye bye, enjoy and have fun with your fathers. Also, do consider connecting with me over Instagram and Facebook. वहाँ पे I'm present with the name Arpita space. Bye bye.